गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम जाने वाले हैं गाइस पोखरा। तो जानते हैं पोखरा नेपाल का सबसे साफ सुथरा सिटी है। तो गाइस अभी हम कुछ ही देर में क्या 5 घंटे में हम पोखरा पहुंच जाएंगे और पोखरा जाके आपको पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं। तो गाइस हमारा बैग भी हो चुका है, बैग और हमारी स्कॉर्पियो भी हो चुकी है तैयार। तो अभी हम कुछ ही देर में पोखरा के लिए निकलने वाले हैं। तो फाइनली गाइस हम पोखरा के लिए निकल चुके हैं और तो गाइस आप देख ही सकते हैं कि दोनों पहाड़ों के बीच में एक पुल गया हुआ है पतला सा है और सोच ही सकते हैं कि कितना मजबूत होगा वो और यो सीधा नदी के ऊपर ही जो वहां से गिरेगा सीधा नदी में गिर के ही बह जाएगा वो। तो गाइस पहाड़ का नज़ारा आपको दिख ही रहा होगा कितना ब्यूटीफुल कितना सुंदर क्या मस्त लग रहा है पहाड़ देखने में। थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लिया है और हम यहाँ पे एक छोटे से ढाबे पे रुके हुए हैं। ढाबा देख रहे हैं तो पहाड़ के किनारे बना हुआ है, ये है भाई पहाड़। और रोड के किनारे है ढाबा और पहाड़ के भी किनारे ढाबा ये। तो गाइस ये है पहाड़ का एकदम ठंडा ठंडा पानी जो पाइप से आ रहा है। तो गाइस ये है अपना 150 रुपये किलो वाला बोड़ा जो हमारे यहाँ 20 से 30 रुपये किलो में मिल जाता है। तो बाढ़ पे होने के पे ढाबे पे रुके हुए थे, अब फिर से हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठ के पोखरा की। तो गाइस आप देख ही रहे हैं कि कैसे पहाड़ों के ऊपर पूरा घर बना हुआ है। तो गाइस अभी हम बहुत ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं, बहुत ऊपर आ चुके हैं गाइस अभी हम, और पूरा रोड अभी पूरा एकदम ख़राब हो चुका है, पूरा ऑफ रोडिंग चल रहा है अभी इस समय।
तो गाइस अभी हम भालू पहाड़ पहुंच चुके हैं कि जैसा आपने माउंटेन पे लिखा ही देखा ही होगा कि भालू पहाड़ लिखा हुआ था खूब बड़े बड़े अक्षरों में। तो गाइस अभी यहां से करीब दो घंटा में अभी हम पोखरा पहुंच ही जाएंगे। और ड्राइवर बता रहे कि ये भी कुछ नहीं है, अभी इससे बड़े बड़े पहाड़ तो अभी और ऊपर दिखेंगे और पोखरा तो अभी और भी ज़्यादा हाइट पे ही है। तो गाइस अब हम कुछ ही दूर में पोखरा पहुंचने ही वाले हैं। तो गाइस ये है पोखरा जो हमने पहाड़ पे से फोटो क्लिक किया था। गाइस कितना सुंदर और कितना बड़ा लग रहा है और यहाँ से हिमालय भी दिखता है। हो चुके हैं, अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम निकले थे करीब 10 बजे पोखरा के लिए। हेलो गाइस, हम फाइनली रूम के अंदर आ चुके हैं। तो गाइस अभी हम थोड़ा फ्रेश होके फिर लेक साइड जाने वाले हैं। वो लेक साइड का वीडियो आपको अगले वाले ब्लॉग में दिखेगा। हम अपने होटल पहुँच चुके हैं पोखरा। तो आपको मैं अपना होटल दिखा दे रहा हूँ पोखरा में। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना।